This is an ABP Life podcast. आज का रावण। मंदोदरी के अपमान का वृतांत सुनकर रावण अपना आपा खो बैठता है। वह अपनी शैया से क्रोध में उठकर खड़ा हो जाता है तथा अपनी चंद्रहासा उठाकर कठोर ध्वनि में अंगद के नाम का अक्रंदन करता है। मंदोदरी रावण को बताती है कि किस प्रकार अंगद ने उसकी पत्नी का अपमान किया। रावण को यह सुनते ही सीता हरण की पूरी घटना का स्मरण हो उठता है। उसे वेदावती के आत्मदाह की घटना का भी स्मरण हो जाता है। इन दोनों घटनाओं में रावण ने भी नारी अपमान जैसा घृणित कार्य किया था। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। परंतु अब समय बीत चुका था। अतीत में किए प्रत्येक कार्य का महत्व अब शून्य था। रावण को यह ख्याल था कि यदि वह अतीत के बारे में अब स्मरण करेगा तो केवल निराशा ही होगी। रावण अपने कक्ष से निकलकर अपनी माता केकसी के कक्ष में जाता है तथा उन्हें गले लगाता है। वह अपनी माता तथा मंदोदरी दोनों से वादा करता है कि वह लंका का सम्मान तथा उसे परिवारजनों के अपमान का बदला अवश्य लेगा। वह अपनी माता की आंखों से आंसुओं को पोंछकर उन्हें उदास ना होने का आग्रह करता है, क्योंकि उसकी माता के आंसू उसे निर्बल व असहाय बना देंगे। रावण माता केकसी और मंदोदरी दोनों को वचन देता है कि वह अब विजय पताका फहराकर ही वापस लौटेगा। रावण अपनी पूरी सेना को एकत्रित होने का आदेश भिजवाता है तथा अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करता है। वह अभेद्य कवच तथा आक्रामक अस्त्र शस्त्रों के साथ राजभवन में आगमन करता है। आज सभी सभागण रावण का रौद्र रूप देख पा रहे थे। वे देख पा रहे थे रावण का विशाल, आक्रामक तथा कभी न देखा हुआ स्वरूप। रावण अपनी पूरी सेना के समक्ष खड़े होकर आज न एक राजा, न ही एक सम्राट, अपितु एक संरक्षक की भांति उन्हें प्रेरित कर रहा था। वह प्रत्येक सैनिक को प्रेरित करता है कि यदि उन्हें लंका के लिए बलिदान भी देना पड़े तो अपने देश के लिए उस बलिदान को वे अपना सौभाग्य समझें। रावण मंदोदरी व मां केकसी को गले लगाता है, अपने नाना सुमाली तथा माल्यवान के चरण स्पर्श कर वह अपनी चंद्रहासा तलवार उठाकर जय महाकाल, जय जय शिव शंकर का शीर्ष स्वर में जाप करता है। वह जैसे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी माता केकसी के चरण स्पर्श करता है, उनकी आंखों से एक अश्रु उसके हाथ पर जा गिरता है। रावण को पता था कि उसकी उदास माता को यदि वह देख लेगा तो उसके स्वयं का मनोबल टूट जाएगा। अंततः वह चरण स्पर्श कर अपनी सेना के साथ सीधे युद्ध के लिए पलायन करता है। पूरा दरबार, पूरी लंका, जय रुद्र, जय जय महादेव, जय दशानन की हुंकार से गूंज उठती है। हम अपने सामान्य जीवन में भी इस प्रकार युद्ध से पहले की हुई जय जयकार का महत्व देख व समझ सकते हैं। जैसे युद्ध में जाने से पूर्व सेनागण व प्रजा का प्रत्येक सदस्य राजा व सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी तथा उनके इष्ट देव की जय जयकार करते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक क्षण यदि हम स्वयं को भी इसी प्रकार आगे बढ़ने व अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रख कुछ बड़ा करने का ठान लें तो स्वयं प्रकृति भी हमें सहायता व प्रोत्साहन देगी। अब एक और रावण तथा उसके सेनाध्यक्ष अपनी पूरी सेना के साथ तो दूसरी ओर
राम व सुग्रीव अपनी वानर सेना सहित उपस्थित थे। दोनों सेनाओं के सेनापति शंखनाद के साथ युद्ध का आरंभ करते हैं। रावण योजनानुसार सबसे पहले अंगद पर आक्रमण करता है। उसे याद था अंगद द्वारा किया गया मंदोदरी का अपमान, तथा वह किसी भी तरह उस अपमान का बदला लेने को आतुर था। रावण अपने रथ से उतर एक अश्व की सहायता से अंगद से युद्ध करता है। दोनों में विभीषण युद्ध होता है, परंतु रावण अत्यंत शक्तिशाली व युद्ध कला में निपुण होने के कारण अंगद को कुछ ही समय में परास्त कर उसे घायल कर देता है। तभी युद्ध स्थल के एक छोर पर रावण को रथ पर विराजित विभीषण दिखाई पड़ता है। वह विभीषण को देख अत्यंत क्रोधित हो जाता है तथा वानर सेना पर आक्रामक से आक्रामक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करता है। हजारों वानरों का उसके प्रचंड प्रहारों से वध हो जाता है। यह विध्वंस देख लक्ष्मण तीव्रता से रावण से युद्ध करने उसकी ओर बढ़ता है। लक्ष्मण रावण की ओर बाणों की वर्षा करता है, परंतु रावण अपने बल व शस्त्रों की सहायता से उन बाणों को क्षीण कर देता है। रावण एक विध्वंसकारी बाण लक्ष्मण की ओर चलाता है तथा उत्तर में लक्ष्मण भी बाण साथ देता है, जिससे युद्ध स्थल में प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है। उधर राम यह देखकर रावण को युद्ध का आवाहन देते हैं तथा अत्यंत विनाशकारी बाणों से उस पर प्रहार करते हैं। रावण भी उत्तर में अत्यंत घातक बाणों से आक्रमण करता है। रावण को युद्ध करते हुए राजा अनारण्य के दिए हुए श्राप का स्मरण हो जाता है। उसे याद आ जाता है कि किस प्रकार राजा अनारण्य ने मृत्यु के समय रावण को श्राप दिया था कि उसी के वंश का एक योद्धा रावण तथा उसके साम्राज्य का विनाश करेगा, तथा अब उस श्राप के फलित होने का समय आ चुका था। रावण जैसे ही आक्रमण के लिए अपनी चंद्रहासा तलवार उठाता है तो वह देखता है कि विभीषण शीघ्रता से राम के पास जाकर उनको कुछ बता रहा होता है। रावण देख पा रहा होता है कि विभीषण की वह बात सुनकर राम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो ऐसी क्या बात थी जिसके कारण राम सतर्क व आश्चर्य में पड़ जाते हैं? क्या रावण का समय अब निकट था? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.